Let us continue with our topic projection of point. Projection of point. लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि टोटल 9 तरीके के लोकेशन हो सकती हैं, जिन 9 लोकेशंस के ऊपर कोई पॉइंट हो सकता है और उस पॉइंट के आपको प्रोजेक्शंस निकालने होंगे। तो उन 9 लोकेशंस को अब देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ हो सकती हैं, मतलब हमने देखा था वो कहाँ कहाँ हो सकती हैं, उसको सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि वो किस तरह से होती हैं और उसके प्रोजेक्शंस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो 9 लोकेशंस क्या थी, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है आप लोगों के लिए। ये देखिए टेबल, पॉइंट नेम ABCDEFGHI, दीज आर द 9 पॉइंट्स और इनकी मैंने लोकेशन दी हुई है। लोकेशन जो है या किस टाइप के हैं या किस वैरायटी के हैं मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो आप ये देखिए यहाँ पे इनकी लोकेशन दी गई है, ऑन द HP एंड ऑन द VP, अबव HP, ऑन VP, बिलो HP, ऑन VP। तो ये इस तरीके से हमने देखा था कि या तो अबव, बिलो या ऑन या इन फ्रंट, बिहाइंड या ऑन। तो ये आपकी 6 जो भी वैरायटी हो सकती है, हमने सारी वैरायटीज यहाँ दी है और ये इसके कुछ डायमेंशन भी दिए हुए हैं। तो इनको हमें अब सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेस करना है। लेट्स सी दीज पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट ए सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ मैं। यस, ये सॉफ्टवेयर में मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं। कल हमने बात करी थी 4 क्वाड्रेंट्स की, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे आपका टॉप प्लेन का भी आगे का हिस्सा लिया जाता है, फ्रंट प्लेन के ऊपर का हिस्सा लिया जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस ट्रायड में प्लस जेड एंड प्लस वाई। तो ये जो आपका हिस्सा है, ये हिस्सा एंड ये हिस्सा, ये आपका क्वाड्रेंट 1 है। इस स्क्रीन के पीछे वाला हिस्सा, अबव टॉप प्लेन एंड बिहाइंड फ्रंट प्लेन, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। नीचे थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट करे हैं, इन पॉइंट्स को 1 by 1 देखते हैं। जूम करता हूँ मैं आपके लिए। टोटल हमारे कितने पॉइंट्स हैं, टोटल हमारे ए से लेकर के आई तक पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए, पॉइंट ए आपको दिखाई दे रहा है जो कि आपका कहाँ है, रिफरेंस एक्सिस पे। हमारी बात हुई थी टॉप प्लेन एंड फ्रंट प्लेन की जो इंटरसेक्शन लाइन होती है उसको हम रिफरेंस एक्सिस कहते हैं। तो रिफरेंस एक्सिस के ऊपर आपका पॉइंट ए ये बैठा हुआ है। ओके, दिस इज योर पॉइंट ए। तो देखिएगा, अगर इस तरीके का पॉइंट है जो कि रिफरेंस एक्सिस पे दिखाई दे रहा है, तो वो पॉइंट कैसा होता है, वो पॉइंट होता है ऑन द HP एंड ऑन द VP। यहाँ लिखा है ऑन द HP एंड ऑन द VP, ठीक है। पॉइंट बी, पॉइंट बी को देखते हैं। पॉइंट बी कह रहा है अबव HP एंड ऑन VP, यानी कि ये कह रहा है कि आप हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है या टॉप प्लेन जो है, इसके ऊपर की तरफ में होंगे बट फ्रंट प्लेन के ऊपर, VP के ऊपर होंगे। तो ये आपका पॉइंट बी की लोकेशन, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, जो कि फ्रंट प्लेन के ऊपर पॉइंट बी रेस्ट कर रहा है, बट इट इज रेस्टिंग सम डिस्टेंस अबव HP, सम डिस्टेंस अबव टॉप प्लेन, टॉप प्लेन के कुछ ऊपर। कितना ऊपर, 150 mm, ये लिखा हुआ है आपकी डायमेंशन, ये 150 लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ देखिएगा, ये जो आपका मेंशन था 150 mm अबव HP, 150 mm अबव HP एंड ऑन द VP, VP के ऊपर। थर्ड पॉइंट आपका पॉइंट सी, जो कि क्या था, बिलो HP एंड ऑन द VP, यानी आज भी वर्टिकल स्क्रीन पे ही है बट अब बिलो आ गया है, वर्टिकल स्क्रीन पे ही है बट अब बिलो आ गया है। तो ये पॉइंट देखेंगे अगर आप, तो अब आप नोटिस करेंगे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी तीनों वर्टिकल स्क्रीन पे ही थे। पॉइंट ए की खास बात ये थी कि वर्टिकल स्क्रीन पे होने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे भी रेस्ट कर रहा था। पॉइंट बी की खास बात ये थी कि वर्टिकल स्क्रीन पे तो था बट हॉरिजॉन्टल स्क्रीन से 150 mm ऊपर था। पॉइंट सी की खास बात यह है कि ये वर्टिकल स्क्रीन पे ही है बट हॉरिजॉन्टल स्क्रीन के 150 mm नीचे की तरफ में, ये देखी गई है हॉरिजॉन्टल स्क्रीन के 150 mm नीचे की तरफ में आपको पॉइंट सी दिखाई दे रहा है, ये क्लियरली। ओके, देन कम्स पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। अब मैं आपको यहीं से ही क्लियरली दिखा रहा हूँ कि ये पॉइंट डी जो है आपका, पॉइंट डी क्लियरली विजिबल है कि ये कहाँ है, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे रखा हुआ है। पॉइंट डी एंड पॉइंट ई बोथ आर कैप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल स्क्रीन बट पॉइंट डी इज 200 mm इन फ्रंट ऑफ VP, फ्रंट प्लेन से या वर्टिकल प्लेन से 200 mm इन फ्रंट में है, जबकि पॉइंट ई जो है वो 250 mm बिहाइंड द VP है। देखिएगा क्या यही लिखा था यहाँ पे, है ना। तो ये
ऑन द एचपी तो रखे हुए हैं दोनों पॉइंट डी एंड ई, बट एक जो है 200 mm इन फ्रंट है और एक जो है 250 mm बिहाइंड है, एक 250 mm बिहाइंड है एंड एक 200 mm इन फ्रंट है। यही बात हुई थी हमारी, 200 mm इन फ्रंट, 250 mm बिहाइंड। नेक्स्ट, ये तो हो गए आपके वो पॉइंट जो कि सिर्फ किसी एक इस एक ना एक स्क्रीन पर रेस्ट कर रहे थे, और या तो आगे पीछे की तरफ में हो रहे थे या ऊपर और नीचे की तरफ में हो रहे थे। अब पॉइंट जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो बोथ इस स्क्रीन पे भी ना हो, इस स्क्रीन पे भी ना हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं रेस्ट कर रहा हो। तो हम इस तरीके का पॉइंट हमारा देखते हैं, ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट एफ, ये पॉइंट एफ, पॉइंट एफ का मैं एक अच्छा सा व्यू देख लूं। ये व्यू समझ आ रहा है क्या? ये व्यू समझ आ रहा है राइट? यस, ये व्यू समझ आ रहा है क्लियरली। ये देखिएगा, आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट एफ है आपका, ये पॉइंट एफ, ओके दिस इज पॉइंट एफ। तो ये पॉइंट एफ जो है आपका, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि टॉप प्लेन यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी ऊपर है एंड आपका फ्रंट प्लेन यानी वर्टिकल प्लेन से इन फ्रंट में है, ठीक है। तो ये आपका कितना 200 mm ऊपर है एंड 250 mm इन फ्रंट है पॉइंट एफ। तो पॉइंट एफ का देख लेते हैं, 200 mm अबव होना चाहिए पॉइंट एफ, 200 mm अबव एंड 250 mm इन फ्रंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिएगा, अगर अबव लिखा हुआ है तो यानी कि बिलो नहीं होगा, फ्रंट लिखा हुआ है तो यानी कि बिहाइंड नहीं होगा, ओके एंड वाइस वर्सा, ठीक। यस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यस, पॉइंट एफ के बाद क्या आता है? पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, पॉइंट जी 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 जी, यस ये है जी, ये आपका पॉइंट जी है। ये भी आपको क्लियरली विजिबल है कि ये आपका, आपकी जो फ्रंट स्क्रीन है फ्रंट प्लेन के पीछे की तरफ में है एंड टॉप प्लेन के ऊपर की तरफ में है। तो इसको मैं कहूँगा पॉइंट जी की लोकेशन को, मैं क्या कहूँगा पॉइंट जी की लोकेशन को, मैं कहूँगा कितना एमएम है, 100 mm अबव एचपी एंड 300 mm बिहाइंड बीपी। देखिएगा 100 mm पॉइंट जी जो है, ओ लिखा ही नहीं है मैंने, पॉइंट जी जो है दैट इज 100 mm अबव एचपी एंड 300 mm बिहाइंड वीपी, यस 300 mm बिहाइंड वीपी पॉइंट जी, एंड पॉइंट एच इज बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। तो एचपी के नीचे होगा और वर्टिकल प्लेन के पीछे की तरफ में होगा, यानी कि ये आपका क्लियरली थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट नीचे की तरफ में। ये देखते हैं, ये हो गया पॉइंट एच जो कि आपका क्लियरली आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे की तरफ में है। ये पॉइंट एच है आपका जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे की तरफ में है एंड ये वर्टिकल स्क्रीन के पीछे भी है, ठीक है। तो इसका कितना पीछे है, तो 150 mm पीछे है, 150 mm एंड 300 mm नीचे है, ठीक। तो इसको मैं कहूँगा 300 mm बिलो एंड 150 mm बिहाइंड, 300 mm बिलो एंड 150 mm बिहाइंड, तो 300 mm बिलो एंड 150 mm बिहाइंड। एंड फाइनली दिस वन पॉइंट विथ टू डायमेंशंस, तो ये पॉइंट कहाँ है आपका, दिस पॉइंट इज बिलो बिलो एचपी 250 mm एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो एंड इन फ्रंट दैट मींस स्क्रीन के हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होगा बट आगे की तरफ में, यानी कि क्लियरली फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये, यानी कि ये नीचे की तरफ में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। दिस इज योर पॉइंट आई, दिस इज योर पॉइंट आई, और ये आई आपको क्लियरली नजर आ रहा है 250 mm बिलो एंड 100 mm इन फ्रंट, 100 mm इन फ्रंट, ओके 250 mm बिलो एंड 100 mm इन फ्रंट, ओके। आई थिंक सारे पॉइंट्स अपने को विजुअलाइज हो गए हैं एंड वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो एक वीडियो और बना लेंगे इसका, जिसके अंदर इसके प्रोजेक्शंस बनाएंगे, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।